हेलो दोस्तों, राम राम। वेलकम टू माई चैनल शानडा। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही फेमस और बहुत ही चर्चित और आजकल बहुत चल रहा है लोगों के दिमाग में, हर कहीं सोशल मीडिया पर हर कहीं फैला जा रहा है। तो सब लोग कुछ ना कुछ राय दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी वही टिप्पणी दे दूँ, कुछ बात कर लूँ मैं भी आप लोगों से। बट मैं भी एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ बाबा के ढाबा के बारे में। तो बाबा का ढाबा जो चल रहा है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखो, पहली बात मैं जो कहूँगा कि गौरव वसान ने पैसे खाए या गौरव वसान ने कुछ भी कराओ, स्वाद ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है जिन्होंने बाबा को वो पॉपुलरिटी दी, वो मुकाम दिया, पहचान दी, उसने पैसा खाया। देखो मुझे नहीं पता पैसा खाया या नहीं खाया, कुछ भी मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन बाबा का जो एटीट्यूड है दिस इज़ वेरी डिसगस्टिंग। बहुत ही गंदा एटीट्यूड है, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेहुदा। मतलब बाबा जो है ना रानू मंडल वाली फील दे रहे हैं, जैसे रानू मंडल थी। रानू मंडल एकदम उठ के आई, लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं, लोगों से मतलब धक्का मुक्की, तो वही बाबा आजकल कर रहे हैं। बाबा न्यूज़ वाले बात करते हैं, बाबा कहता है कि मेरे से बात मत करो, मतलब वो एटीट्यूड एकदम वो जो आ चुका है ना फील। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया वो जो पैसा है ना बाबा का है ना गौरव का है, वो जो पैसा वो जनता का है, वो जनता एफ आई आर करती कुछ भी करती, जनता का लेने देना था। लेकिन बाबा का जो एटीट्यूड था, बाबा ने जो, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बाबा कह रहे कि गौरव की गलती है, गौरव मेरा वीडियो बनाने आया उसकी गलती है बहुत बड़ी, मैंने उसे बुलाया नहीं था। मैं यही कहना चाहूँगा अगर ये सब चीज़ें इस तरह चलेंगी ना, जो लोगों के लोगों बाबा की वीडियो देख के काफ़ी लोग हेल्प करने के लिए आगे बढ़े थे, कदम बढ़ाए थे लोगों ने, दो दो चार चार कदम आगे बढ़े थे लोगों के, वो सब ने पीछे खींच लिया, अब कोई करना नहीं चाहेगा हेल्प। क्योंकि ये एटीट्यूड, अगर इस तरह का एटीट्यूड रहेगा तो कौन हेल्प करना चाहेगा, कोई नहीं हेल्प करना चाहेगा भाई। और रही गौरव की बात, देखो गौरव से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उस बंदे ने इतना फेमस करा है गौरव का। कल मैंने एक वीडियो देखा था, गौरव बोल रहा था उसके अंदर, मैं लाइव आया था इंस्टाग्राम पर, उसने बोला था बाबा के अकाउंट में, इनके अकाउंट में उसने बोला था, तो लोगों ने गलत समझ लिया। कुछ भी हो, जो बाबा का एटीट्यूड है वो बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात है। बाबा कितने पॉपुलर हो गए कुछ, लेकिन अभी आप जाके देखो बाबा के वहाँ पर भीड़ नहीं मिलेगी आपको, ख़त्म, सब ख़त्म। क्योंकि एटीट्यूड जो, वही बिहेवियर जो होता है वही सब कुछ होता है। देखो मैं गौरव के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन बाबा के बारे में बोल सकता हूँ क्योंकि बाबा वो हरकतें कर रहे हैं, वो दिख रहा है, मतलब तेवर ही बदल गए हैं भाई। अगर तुम फर्श से अर्श पे जाते हो ना, तो अर्श से फर्श पे आने में उतना टाइम नहीं लगता जितने अगर आप बहुत तेज़ी से बढ़े हो ना और आपने हरकतें कर दी तो बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाओगे। तो ये बहुत ही घटिया और गलत तरीके बिहेवियर कर रहे हैं वो। बताओ, जिस बंदे ने तुम्हें पॉपुलर करा, तुम्हें फेमस करा, तुम उस बंदे को कह रहे हो कि तुमने ऐसे करा क्यों, वो तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी वीडियो क्यों बनाई, मतलब उसने तो कुछ सोच के हेल्प करी थी। अगर उसे ये सब करना होता तो उसकी पुरानी वीडियोस थी उसमें भी कर सकता था, लेकिन मैं सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ उसको। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है गौरव भाई के ऊपर। अब पता नहीं, देखो मुझे नहीं पता तो मैं कैसे कह दूँ हाँ 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 कि उसने पैसा लिया, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। तो मेरे दिमाग में था कि मैं काफ़ी दिन से बहुत सुनने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों से पूछ लेता हूँ आपकी क्या राय है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बता दो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।